नमस्कार, विक्की यादव, संरक्षक आरआई स्पोर्टिंग क्लब, स रांची जिला दुर्गा पूजा अध्यक्ष। मैं लोगों को झारखंड में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सारे सदस्यों की ओर से आने वाले इस वर्ष दुर्गा उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। समझ सकते हैं कि रांची में, पूरे झारखंड में, लगभग हमारे इस रांची जिला दुर्गा पूजा समिति में लगभग 135 पंडाल हैं। चुनौतियां तो हैं ही, और चुनौतियों के साथ हमें आगे दुर्गा उत्सव जो हमारा 2024 का लक्ष्य है उसे भी पाना है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि लगभग सारी समितियों को लेकर चले, उनकी जो भी आउटसोर्सेस, जो भी उनको प्रॉब्लम हो उनको सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि रांची जैसे शहर में आप समझ सकते हैं कि अब झारखंड, लगभग आप कोलकाता के पास, अब झारखंड का नाम भी दुर्गा उत्सव में आगे आ चुका है और एक झारखंड एक इतिहास भी रच दिया है। क्योंकि अगले बार आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में हमारे कोलकाता के बाद झारखंड का नाम भी दर्ज हो चुका है। तो ये काफ़ी हमारे लिए और आपके लिए गर्व की बात है कि हमारे जैसे शहर में भी अब दुर्गा उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस बार आरआर स्पोर्टिंग क्लब क्या कुछ बनवा रहा है? जी, आरआई स्पोर्टिंग क्लब जैसा कि जग जाहिर है, हमेशा की तरह कोलकाता के बाद रांची में एक ऐसा पंडाल है जिसे किसी नाम और किसी दर्जे की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही एक आइकॉनिक पंडाल है और आप समझ सकते हैं कि आरआई स्पोर्टिंग क्लब हमेशा अपने पंडाल के माध्यम से हमेशा कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश करता है। इस बार भी हमारा संदेश कुछ अनोखा होगा और रांची वासियों के लिए एक उद्देश्य की तौर पे हम लोग इसको दिखलाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, उम्मीद है, आशा है। और आप लोग बेशक हमारी जो कलाकृति रहेगी आर आई स्पोर्टिंग क्लब की, वो मधुम भक्त कर देगी लोगों को। फ्लाईओवर को लेकर चुकी है, काटाटोली का फ्लाईओवर तो शुरू हो रही है लेकिन जाम बहुत ज़्यादा लगती है, उसके लिए समन्वय स्थापित हो सके पुलिस और नगर निगम की ओर से, उसके लिए क्या संदेश देना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप समझ सकते हैं हमारे जो रांची जोन का जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट का काम केसीसी बिल्कोन को दिया गया है। तो उनके जो भी सहयोगी दल हैं या उनके जो भी जेम्स वगैरह, उनकी मीटिंग हमारे साथ हो चुकी है और हमने अपनी जो भी समस्याएं हैं उनसे मैंने उनको रूबरू करा दिया है। सारी मुकम्मल व्यवस्थाएं प्रशासन नगर निगम की ओर से मांग करेंगे आप करने के लिए? हाँ, आगे भी कुछ, क्योंकि अभी तो थोड़ा वक्त है, तो हमारे जिला प्रशासन से भी एक मीटिंग होगी। डीसी साहब रहेंगे, एसएसपी साहब रहेंगे और बाकी हमारे नगर आयुक्त से हमारी दो तीन दिन पहले भी मीटिंग हो चुकी है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि सारी सुविधाएं 100 लगभग जितने भी आपके रांची जिला कमेटी में हैं सारे पंडाल को डस्ट वगैरह या जो भी नगर निगम से प्रॉब्लम है, जैसे पाइपलाइन वगैरह कहीं कहीं पे टूटी हुई है, तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप ही के पंडाल से आते हैं, शुरुआत करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे सीएम? जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान महोदय हेमंत जी का, जो दुर्गा उत्सव में हमेशा सब परिवार हमारे आर आई स्पोर्टिंग क्लब में उन्हीं के कल कमलों द्वारा हमारा उद्घाटन भी होता है। और इस बार जो प्रॉब्लम जो अराइज हुई थी, आप जानते होंगे उस चीज़ को, जो हमारे रामलला ट्रस्ट पे जो हुई थी प्रॉब्लम, तो उन्होंने काफ़ी तीव्र गति से इस चीज़ को, काफ़ी अपनी अध्यक्षता में इस चीज़ को समाप्त किया।